संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी, 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था। बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है, मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ। इसको दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष हर एक के जीवन में, पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को, तो उन्होंने कहा था कि, हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता असफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है, और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना चाहिए। ये तो सरप्राइज। प्रेम कुमार जी, कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम, जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था, ये आज की सोच नहीं है। आपको पता था आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ, उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहां, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कह दूं, वो कभी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दिए, अब वो जमीन मैं इसको देता मरने के बाद। तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं दूं, अब ये दे दूं, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। उधर देखिए सिंह जी, तो बेटा कैसे हो आप? खाने पाने के ध्यान दीजिए, आप तुम्हारे लिए गुड़ रोटी बनाई है, आप ट्रेनिंग ज्यादा खाना पीना का ध्यान दीजिए, आप तुम्हारे लिए हम दुल्हन खज के रखे हैं, रिश्ता तय हुआ है, खाना आपको तैयारी गुड़ रोटी है। गुड़ रोटी खाने का शौक है? हाँ जी हाँ। बहुत गुड़ रोटी खाता था। आपसे सारे देश के पिता सीख लें, एक मिसाल कायम की है आपने कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे से ये तक कहता है कि मैं, ये नहीं कहेंगे कि कोई अपनी किडनी बेचे, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर बेटे को पढ़ाया, खेत बेचे, आज जिंदगी लाइफ की तरफ से आपको सम्मानित किया जा